स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर होम। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एडिशन ऑफ नंबर्स विद कैरी। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो लेट अस सॉल्व दीज एग्जांपल्स। लेट अस राइट, हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं वंस फिर टेंस। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम 38 प्लस 5 7। ठीक है बेटा, लेट्स एड वंस फर्स्ट। वंस फर्स्ट ये आपको मैंने पिछले इसमें टॉपिक में बताया था कि क्या करेंगे। वंस फर्स्ट यहां से हम ऐड करना शुरू करेंगे। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू, शाबाश, गुड, 15। अब ये 15 जो आएगा, 5 किस प्लेस पे है और 1 किस प्लेस पे है। तो 15 इज 1 10s एंड 5 1s। या गया वंस, या गया टेंस। ठीक है ना। सो लेट अस राइट, 5 1 इज वंस कॉलम। यहां पे किस पे आएगा, एंड 10 कैरी फॉरवर्ड इन टेंस कॉलम। यहां पे आ जाएगा 1। शाबाश, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड इन 10 कॉलम्स। नाउ एड 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, शाबाश, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। गुड, सो वी हैव 95। जब हम एड करेंगे 3 प्लस 38 प्लस 57, सो वी गेट 95। तो इसी तरह बेटा हम लेट्स सॉल्व इन अदर एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास आएगा 4 6 प्लस 3 9। ठीक है, वंस टेंस। लेट्स ऐड, कैसे हम करेंगे, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, शाबाश, गुड, 15। ये भी क्या आएगा, 15। अब आपको पता है वंस की प्लेस पर कौन सा है, so I will write 5 1s in ones column and ones carry forward in 10 column। तो 5 हम लिखेंगे ones column के नीचे और ये carry forward जाएगा यहां पे, यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। ये कितना आ गया हमारे पास, now we have 8 10s and 5 1s, that is 85 numbers। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी बहुत सारे पार्ट में आपको दूंगी, जैसे होमवर्क के लिए बेटा आप करेंगे। अब आपको पता चल गया ना, तो कैसे ये करना है। एक तो जो जब एड करेंगे आप कोई भी, मतलब इसको कोई भी नंबर आप ले लें, जैसे 76 53 है ना, 35 सॉरी। तो कोई भी ये आगे एक पार्ट, यहाँ पे वंस और टेंस, जब आप ऐड करेंगे बेटा तो आप वंस से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, ऐड वंस फर्स्ट, यहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आगे एक पार्ट, अब आगे दूसरा पार्ट आपका 98 प्लस 57। ये आप घर से करके लाएंगे। तीसरा पार्ट आ गया 56 प्लस 38। चौथा पार्ट आ गया आपका 98 प्लस 27। तो ये आप अपनी नोटबुक पर लिख के आएंगे। तो आप, आपको समझ आ गई एडिशंस ऑफ नंबर्स विद कैरी, कैसे हम लेते हैं इसको। ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड कैसे हम नंबर को लेते हैं। तो ये है हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके।